तो इस पूरे मामले में कानपुर के जिलाधिकारी का क्या कहना है, जरा आपको वो भी सुनवाते हैं। तीन मांगे आपके सामने रखी थी, क्या तीनों पे संतुष्ट है, उस पे क्या वो बोल रहे हैं? जो चीजें उनके द्वारा बताया गया है वो भी उनको यही बताया गया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जो बैठक है उसमें ये चीजें रखें, और बाकी उनके द्वारा जैसे बताई गई है, एक तो इन्वेस्टिगेशन के बारे में, सहायता के बारे में, और उसी के साथ साथ जो नौकरी के बारे में, इस चीज के बारे में भी अवगत कराया गया। और अपने केस को ट्रांसफर करने की बात कही, उसको लेकर के आपने अपनी तरफ से कुछ वो उनके वो तो गोरखपुर में चल रहा है तो वो तो हाई लेवल पे डिसीजन। तो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, थोड़ी देर में जानकारी मिल रही है अखिलेश यादव पहुंचने वाले हैं पीड़ित परिवार से मुलाकात करने, लेकिन उससे पहले समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भारी तादाद में वहां पहुंच रहे हैं और सीधे तौर पर घेरने की कोशिश यूपी पुलिस और यूपी सरकार को। इसके लिए अखिलेश यादव भी देखिए अब से थोड़ी देर में पहुंचने वाले, लेकिन उससे पहले ही जो कार्यकर्ता हैं वो वहां पर पहुंचे हैं, पुलिस से झड़प भी यहां पर देखिए हो रही, क्योंकि पुलिस जो है उनको हटाने की कोशिश कर रही है भारी तादाद में, क्योंकि वहां पर कार्यकर्ता जो है वो पहुंचे हैं और इसीलिए वहां से लोगों को हटाया भी जा रहा है ताकि परिवार तक एक एक लोग पहुंच पाए। भारी तादाद में लोग पहुंचेंगे तो दिक्कत होगी, पुलिस वाले भी आपको तस्वीरों में यहां पर नजर आ रहे होंगे, साथ ही साथ यहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता तस्वीरों में नजर आ रहे। तो अखिलेश यादव पहुंचने वाले हैं, उससे पहले ही ये कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे, भारी जमावड़ा यहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का दिख रहा है। संतोष शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। संतोष, इस वक्त स्थिति वहां पर क्या है, क्योंकि अखिलेश यादव पहुंचने वाले हैं लेकिन उससे पहले ही समाजवादी पार्टी के ढेरों कार्यकर्ता पहुंच गए। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव वहां पहुंचे नहीं, उससे पहले स्थानीय विधायक जो रहे इरफान सोलंकी वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे हुए, और जिसकी वजह से ये पूरा मामला अभी खड़प हुई है और वहाँ पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी तैनात कर दी गई है। लेकिन अखिलेश यादव के पहुँचने की वजह से सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं के पहुँचने, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की पहुँचने की वजह से पूरा मामला बिगड़ा है। जी, तो कितनी देर में पहुँचेंगे अखिलेश यादव, क्या जानकारी? देखिए, अखिलेश यादव को पहुँचने में करीब अभी आधा घंटा लगेगा, क्योंकि वो कानपुर में तो प्रवेश कर चुके, लेकिन अभी यहाँ से दूरी है उनके पहुँचने में। तो कहा जा रहा है कि उससे पहले ही इरफान सोलंकी पहुंचे हुए अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ, कि उनके अध्यक्ष जो आ रहे हैं, और इसी की वजह से तमाम अचानक कार्यकर्ताओं के पहुंचने की वजह से जो व्यवस्था की गई थी पुलिस कर्मियों की, और वो कोशिश कर रहे थे कि वहां पे घर के अंदर जा सके, मीनाक्षी गुप्ता से भी बात कर सके, इसी बीच को लेकर के दोनों के बीच में झड़प हुई है। पुलिस ने भी कोशिश किया कि वहां पे जो स्थितियां हैं वो नियंत्रित रहें, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा मौके पर पहुंचे जाने के बाद से ये थोड़ा अफरातफरी मची है। और बिल्कुल, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, अखिलेश यादव बताया जा रहा है आधे घंटे के बीच में यहाँ पर पहुंचेंगे, और उस बीच समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो वहां पहुंचे हैं और यहाँ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। धक्का मुक्की के हालात भी वहां पर तस्वीरों में देखिए नजर आ रहे हैं, पुलिस वाले रोकने की भी कोशिश कर रहे हैं कि एक एक करके जाए, भारी भीड़ वहां ना पहुंचे, लेकिन बावजूद इसके जो कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे हैं वो मानने को तैयार नहीं है और कार्यकर्ताओं की तादाद भी बढ़ती जा रही है। यानी अखिलेश यादव के पहुंचने से पहले ही यहां पर समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंच रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचने वाले हैं, पीड़ित परिवार से वो मुलाकात करेंगे और जो पीड़ित परिवार की मांग है, चाहे वो सीबीआई जांच को लेकर हो, मुआवजे को लेकर हो, या फिर किसी और विषय पर, सरकारी नौकरी की भी बात परिवार वाले कर रहे हैं, उन सारे विषयों पर योगी आदित्यनाथ सीधे बात करेंगे परिवार से, वो भी पहुंचने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव के पहुंचने का भी कार्यक्रम है, लेकिन उस कार्यक्रम से पहले ही यहां पर समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। ये थोड़ा हटो, आप लोग थोड़ा छोड़ा।
बाद तुम्हारा इतने दिन। तो देखिए जल्दी से आपको यहाँ ये भी बता दे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या खुलासा हुआ है कि चोट की वजह ही मौत रही है, ये जानकारी सामने आ रही है। शरीर के कई हिस्सों में चोट है, गंभीर चोट के 4 निशान शरीर पर पाए गए हैं जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है। दाहिने हाथ की कलाई पर डंडे के निशान भी पोस्टमार्टम में खुलासा हुआ है कि नजर आए हैं। सिर और चेहरे पर भी चोट के निशान है।